1993 blockbuster Khalnayak, starring Sanjay Dutt, Madhuri Dixit, Jackie Shroff, Anupam Kher and others with the very hit songs, had a grand re-premiere at the Mukta A2 Excelsior Cinema Fort, Mumbai, in the presence of filmmaker Subhash Ghai, and Jackie Shroff too was present along with other guests. It was indeed a grand moment to relive those films which drove the nation crazy with the songs and the star cast. Let's hear what Subhash Ghai and Jackie Shroff have to say at the grand Ray premiere. I'm so happy. I'm just happy, that's it. It's a lovely film. My favorite friends, Baba, Sanju Baba is there, Madhuri Ji is there. I think for me, to come here and be part of the same celebration is fantastic. And to see it on a big screen is one. जो खुशी है आज की 1995 की फिल्म जो हमने बड़े शान शौकत के साथ रिलीज की थी बॉम्बे में 10 थिएटर और दिल्ली में 12 थिएटर में और आज उसका री प्रीमियर एक मैटनी शो में हो रहा है क्योंकि टेलीविजन में तो आपने बहुत बार देखी है खलनायक लेकिन मैं समझता हूँ कि जब बड़े पर्दे पे फिल्म देखते हैं क्योंकि हमने हर फ्रेम हर सोच हर लिखावट हर शब्द हर म्यूज़िक बड़े पर्दे के लिए ही बनाया था बल्कि कभी कभी तो मैं अपनी फिल्में टेलीविज़न में देख ही नहीं पाता कि मुझे लगता है कि मेरी फिल्म इतनी छोटी कैसे हो गई क्योंकि मैं टेक्नीशियन भी हूँ और मैं आर्टिस्ट भी हूँ तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं अपने बड़े पर्दे पर अपनी फिल्म देख रहा हूँ और आज हमारे आर्टिस्ट भी आए हैं यहाँ पर और पब्लिक भी आई है मैटनी शो में इसीलिए मुक्ता सिनेमा ने डिसाइड किया कि हम हर हफ्ते एक क्लासिक फिल्म जो एवरग्रीन फिल्म्स हैं हमारी नहीं दूसरे अच्छे डायरेक्टरों को भी जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं वो भी हम लेकर आएंगे और संडे मैटनी शो रखेंगे क्योंकि न्यू एक्सेलसियर सिनेमा जो है वो डिज़र्व करता है जितनी खूबसूरती से सिनेमा बनाया है एक्सेलसियर 84 फीट स्क्रीन है 600 सीटर हैं तो इसमें बड़ी फिल्मों का बनना और बड़ी फिल्मों का आना बहुत ज़रूरी है बाहुबली भी फिल्म जो है इसमें लोगों ने इतनी इन्जॉय की कि सारे शो फुल थे यानी कि इतना था कि एडवांस बुकिंग में भी फुल थे बिकॉज लोग ये महसूस करते हैं कि बाहुबली का जो मज़ा एक्सेलसियर में आया हमको शायद दूसरे थिएटर में भी नहीं आएगा